जिला कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला के निर्देशन में शनिवार के दिन बागली जनपद सभागृह में खंड स्तरीय सीएम हेल्पलाइन जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में बागली अनुविभागीय अधिकारी अरविंद चौहान और जनपद सीओ अमित कुमार व्यास मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जिनकी उपस्थिति में शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न 12 शासकीय विभागों से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारियों की उपस्थिति में विभागवार संबंधित शिकायतकर्ताओं से चर्चा कर मौके पर संतुष्ट पूर्वक निराकरण किया गया। खंड स्तरीय शिविर में कुल 101 शिकायतों का निराकरण किया गया। SDM अरविंद चौहान ने बताया कि कुछ शिकायतें शेष रह गई हैं, जिन्हें भी जल्द ही संबंधित शिकायतकर्ता से संपर्क कर शिकायत का समाधान कर निराकरण कर दिया जाएगा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब के आदेश कि अनुभाग स्तर पर तहसील स्तर पर सीएम हेल्पलाइन के निराकरण के लिए शिविर लगा है। उसी तारतम्य में आज हमने बागली अनुभाग स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें हाटपिपिया तहसील, उदयनगर तहसील और बागली तहसील के समस्त विभागों के विभाग के अधिकारियों को साथ ही शिकायतकर्ता को बुलाया उनकी शिकायतों का निराकरण के लिए। और आज कुल मिला के हमारा जो है 100 से अधिक शिकायतकर्ताओं की शिकायतें संतुष्टिपूर्वक निराकरण की गई। जो सर शेष शिकायतें कहीं रह चुकी हैं उनके लिए क्या आगे? कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनका त्वरित निराकरण नहीं किया जा सकता, उनको जाँच में लिया है। और कुछ न्यायालयीन प्रकरण थे, न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत ही जिनका निराकरण किया जा सकता था, उनको भी जो है प्रकरण कोर्ट में दर्ज किए हैं। और जिनका त्वरित निराकरण नहीं किया जा सकता वो आज हमने कर दिया। कुछ मुख्यमंत्री स्वच्छा अनुदान की थी, बीमारी सहायता की थी, उनके क्या आवेदन के साथ में उनकी मेडिकल की फाइल्स और सारे कंप्लीट करवाई गई ताकि इनको फाइलों को स्वीकृति के लिए जिले में भेजा जा सके। इस प्रकार से सभी के अलग अलग शिकायतों का निराकरण किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।